term to Tanika's take, it's a short video how you can make eggplant fritters at your home. So यहाँ पर मैं आपके साथ बैंगन के पकौड़ों की सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी शॉर्ट वीडियो में. इसलिए आपने पोटेटो उसको बॉईल करके इस तरह से मैश कर लेना है. उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करने, जिसके अंदर ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड रेड पेपर एंड क्रश करियंडर पाउडर ऐड किए. फिर इसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए, जिसमें चॉप्ड अनियंस एंड पार्सले एंड सम ग्रीन चिलीज एंड कैप्सिकम्स. इन इंग्रीडियंट्स को ऐड करने के बाद मैंने सिंपली मिक्स कर दिए और पुट इट असाइड. सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द सेकंड स्टेप. उसके अंदर आपने एक बॉल में जो है बेसन लेना है, उसके अंदर आपने स्पाइसेस ऐड करने, जिसमें मैंने रेड चिली पाउडर, हल्दी और कोरिएंडर सीड पाउडर एंड सम सॉल्ट विद चाट मसाला, ये सब कुछ मैंने ऐड किया. और उसके बाद इसको आपने वाटर ऐड करके थिक लिक्विड पेस्ट बना लेना है. उसके बाद सिंपली आपने अपने एग प्लांट्स लेने, इनको आपने बिल्कुल राउंड शेप में इस तरह से थिन स्लाइसेस में कट कर लेना है. देन आप वन स्लाइस लेंगे, उसके बीच में आपने वो पोटैटो और वेजिटेबल्स वाली फिलिंग करनी है. इस पर आप सेकंड स्लाइस रखेंगे. उसके बाद इसको आपने कोट करना है उस बैटर में जो आपने बेसन का बनाया था. समहाउ लाइक दिस प्री हीटेड ऑयल होगा, उसके अंदर आप डीप फ्राई कर लें. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे एग प्लांट फ्रिटर्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं. और वंस दे विल गोना गेट गोल्डन ब्राउन इन कलर, नाउ दे आर रेडी टू बी सर्व. सो सर्व करें आप इनको एक प्लेटर में निकाल के विद एनी सॉसेज यू लाइक टू ईट विद. Okay, so another snack I'll be sharing here for Ramadan iftari special. तो यहाँ पर you guys can see मैंने ये कीमा filled pakora style sandwiches बनाए थे. और इन sandwiches की कोई एक short recipe मैं आपके साथ share करती हूँ. तो आपके पास कोई भी कीमा घर में जो बना होगा, उससे आप ये बहुत मज़ेदार से sandwiches बना सकते हैं. If you don't have leftover keema at your home, then तो आपने एक pan में oil add करना है. उसमें आप keema add करेंगे, उसके अंदर आप add करेंगे some onions, green chilies and then सोया सॉस एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, दैट्स इट. है ना, उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेड स्लाइसेस लिए, उनके अंदर मैंने केचप कोट किए. के बाद मैंने कीमे की फिलिंग की और सिंपली उसको स्लाइस को आपने ऊपर से बंद करना है. एंड देन दूसरी साइड पर आपने एक बैटर बनाना है, जिसके अंदर आप बेसन, पालक, प्याज एंड ग्रीन चिलीज विद सम स्पाइसेस बनाएंगे. और उसके अंदर आपने वन बाय वन इन सैंडविचेस को डिप करते जाना है और डीप फ्राई करते जाना है. So these are your yummiest pakora style chicken keema filled sandwiches are ready to be served. So ye aap try kijiyega, you guys will gonna love this recipe because my family loved it. So here I am making another recipe which is kids special recipe because ये potatoes के साथ में बनाऊंगी. तो इस recipe को follow करते हैं. Firstly तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने potato लिया था और उसको आपने बॉईल कर लेना है. बॉईल करने के बाद सिंपली उस पोटैटो को आप मैश कर लेंगे. तो वंस योर पोटैटोज आर मैश्ड फुली, नाउ यू विल गोना ऐड एंड सॉल्ट. ओके, सो यहाँ मैं बताना चाहूँगी, मैंने इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर भी ऐड किया एंड सम ब्लैक पेपर एंड गार्लिक पाउडर भी. इट्स ऑप्शनल, इफ़ यू लाइक यू कैन ऐड. और उसके अंदर आपने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर पाउडर. एंड देन मैंने इसके अंदर कुछ ब्रेड क्रम्स ऐड किए थे. इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और अपने हैंड्स पर ऑयल लगा के आप डो बना लीजिएगा, सो दैट ये चिपके नहीं हैंड्स पर. तो यहाँ पर ये डो इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा. आपने राउंड बेल कर लेना है. उसके बाद आपने स्मॉल साइज के आपने इस तरह से सर्कल्स कट कर लेना. सिंपली स्ट्रॉ की मदद से आप उसके अंदर आइस बनाएंगे. उसके बाद आप स्पून यूज करते हुए उसकी स्माइल बनाएंगे. आप ऑयल में डीप फ्राई करते जाएं. सो आपके पोटैटो स्माइलीज बहुत मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे.